और बड़ी खबर आपको बताया, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी को मार गिराया है। इसके साथ ही दो और आतंकियों के इलाके में छुपे होने की खबर है, जिसके लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मारे गए आतंकी से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इसी के मुताबिक आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये बड़ी जानकारी आपको कठुआ से हम दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर तीन आतंकी दिखाई दिए थे। एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है, जबकि दो आतंकी कहे जा रहे हैं इसी इलाके में छुपे हुए हैं, और इसीलिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसी सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। तीन उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। तो निशाने पर जम्मू दिखाई दे रहा है, अलग अलग इलाकों में एक साथ आतंकी हमले की खबर है। समीर भट्ट कठुआ से ही मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अपडेट क्या है अभी? देखिए शालिनी, आपने सही कहा, अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो पिछले 80 घंटे के दौरान तकरीबन तीन अटैक हुए हैं। सबसे पहले रियासी में हुआ, उसके बाद यहाँ कठुआ में, जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये कठुआ का हीरानगर सेक्टर का सीधा सवाल एरिया है, और यहाँ पे कल शाम को दो से तीन आतंकवादी कहा जा रहा है देखे गए थे। यहाँ गांव में आ गए, इसी गांव में जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, और विजुअल्स में लगातार हमारे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे, आपको CRPF दिखेगी, पुलिस दिखेगी, और आपको SOG के जवान दिखेंगे। यहाँ तकरीबन कल शाम को 7:15 के करीब इस गांव में कुछ दो से तीन आतंकवादी आए। उन्होंने सबसे पहले एक घर में घुसकर वहाँ पर पानी मांगा और खाना मांगा, लेकिन जब जो वहाँ का जो मालिक था और उनकी वाइफ थी, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने शोर मचाया, तो उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें एक जो सिविलियन है ओमकारनाथ वो जख्मी हो गया, और एक जो आतंकवादी है उसने कोशिश की ग्रेनेड से हमला करने की, लेकिन उसका ग्रेनेड हाथ में ही फट गया और उसकी वहीं पे वो न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि एक से दो आतंकवादी अभी भी इस गांव में, और रात को उन्होंने फिर फायरिंग की है, और उस फायरिंग में एक हमारे CRP का जवान जो है कबीर दास, जो कि मध्य प्रदेश का है, वो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है, और अभी भी यहाँ पे बीच बीच में रुक रुक के फायरिंग की आवाज़ दिख रही है। जो आपको मेरे पीछे एक पुल भी दिखाई देगा, हमारे कैमरामैन कोशिश करेंगे यहाँ से एक पुल को दिखाने की, ये जो पुल है आपको विजुअल्स में दिखाने की हम कोशिश करेंगे। इस पुल के साथ ही जो आतंकवादी है, कहा जा रहा है कि वो एक नाला है यहाँ पे, उसी नाले में वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और उनके वहाँ से वो फायर कर रहे हैं। तकरीबन एक से दो आतंकवादी अभी भी, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि सिर्फ एक और आतंकवादी बचा है, लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि दो आतंकवादी हैं। तो यहाँ पे तो ये चल रहा है, ये सर्च ऑपरेशन या एक तरह से मुठभेड़ चल रही है, लेकिन छत्रकला एरिया है जो कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में या इस आतंकी को मारने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? जैसे घाटी में तो हम देखते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगलों का सहारा ले लेते हैं, अब आप बता रहे पुल की तस्वीर भी आपने दर्शकों को दिखा दी है कि वहीं पर आतंकी छुपे हुए, लोकेशन अपनी बदल रहे हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आ रही है? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि रात का समय होता है और रात का जो सिक्योरिटी का ऑपरेशन होता है, जो SOP होता है, उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। रात के अंधेरे में इतनी ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं होते, हमने देखा, अगर हम 35 सालों का तजुर्बा भी देखें जम्मू कश्मीर की आतंकवाद का, तो जो रात का समय होता है उसमें ज़्यादातर ऑपरेशंस नहीं होते हैं, सुबह लाइट का इंतज़ार किया जाता है, लेकिन अब क्योंकि रोशनी आ गई है और यहाँ पे दिन का समय, सुबह का समय है, हमें लग रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, और सिक्योरिटी फोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे के दौरान ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा, और क्योंकि SOG हो, पुलिस हो, आर्मी हो, एक
अच्छी खासी तादाद में जो डिप्लॉयमेंट है इस पूरे एरिया में की गई है, जो आतंकवादी है वो कहीं पे भी छुपा हो उसको ढूंढ के मार गिराया जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ही नहीं, भद्रवाह में एरिया में भी इनकाउंटर एक चल रहा है, जिसमें जो इस वक्त छत्रगला एरिया है वहाँ पर चल रहा है, जो कल शाम से वो इनकाउंटर चल रहा है, यहाँ कठुआ में है और इससे पहले रियासी में। पिछले 3 दिन में 3 जगहों पर जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के ये आतंकवादी हमले हुए हैं और इससे साफ जाहिर है कि आतंकवादी जो है वो उनका निशाना अब जम्मू है। कश्मीर वैली में अगर हम देखें तो ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 और ऑल आउट 3 में आतंकवाद का पूरी तरह से वहाँ सफाया हुआ, लेकिन उसके बाद जो कंसंट्रेशन है, जो आतंकवाद की जो कंसंट्रेशन है वो अब जम्मू है और जम्मू की इकोनॉमी को डेंट करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट हमने कश्मीर के अंदर देखा और अभी फिलहाल 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो जम्मू है वो निशाने पर है। आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन कठुआ में हुए इसी आतंकी हमले में एक आदमी को गोली लगने से वो जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित की पत्नी ने आतंकियों पर गोली मारने का आरोप लगाया और वही पूर्व सरपंच ने ये जो पूरी घटना घटी है उसकी जानकारी दी है। टोली मारी थी उन्हें बम मार गेटा बारे। कितने जने हैं? 2 जने। एक सोहल गांव है, उसमें क्या है कि मिलिटेंट आए हुए हैं, उन्होंने रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। कई लोगों से जो सुनने में आ रहा है कि 7 मिलिटेंट थे और 2 जो हैं को किसी की बाइक लेकर वो निकल चुके हैं और 5 जो हैं वो उधरी हैं, किसी के घर में हैं, शायद 3 एक घर में है, 2 एक घर में, पता चल रहा है। अभी कोई जो पूरी जो करेक्ट खबर है वो नहीं है, वो सुनने में आ रहा है कि वो लोगों के घर में है, कहीं सुनने में आ रहा है कि एक कैचुलटी हुई है, सवाल का कोई बिट्टू नाम का आदमी है उसको उन्होंने मार दिया है, लेकिन मैं वो भी पूरी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सुनी सुनाई पे बात है, कोई क्लियर खबर हमारे पास नहीं है। अभी एरिया पूरा कार्डन हो गया। तो जसबीर सिंह पूर्व सरपंच को आपने सुना, समीर का मैं फिर से रुख कर लेती हूँ। समीर, पूर्व सरपंच तो ये कह रहे हैं कि 7 आतंकवादी यहाँ पर घुसे थे, 2 बाइक से निकल गए, 3 एक घर में, 2 दूसरे घर में, हालांकि ये सब कुछ सुनी सुनाई बात वो बता रहे हैं। नहीं नहीं, हम पुलिस का वर्जन को, जो पुलिस जो ADGP यहाँ पे आए थे जो उन्होंने कहा वो हम उसी पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आगे बोलूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विजुअल हमारे जो कैमरामैन वो दूर से अभी ये ड्रोन चल रहा है, अगर आपको विजुअल्स दिखाई दे, विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा, ये ड्रोन अभी भी उड़ाया जा रहा है और ड्रोन की मदद से स्टॉम्बिंग ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन है यहाँ पे, तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, स्निफर डॉग्स की यहाँ पे मदद ली जा रही है। हमने देखा कि यहाँ पे किसी हर एक टेक्निक का, हर एक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, और ये आप ड्रोन की मदद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये जंगली इलाका भी है, इसमें मुश्किल इलाका भी है, तो उसके लिए जो ड्रोन की मदद दी जा रही है। जो आपने दूसरा कहा, देखिए जो ADGP यहाँ पे आए थे उन्होंने जो बात कही हम उसी पर जाएंगे, जो लोकल हैं क्योंकि लोकल्स पर इतना उनको, उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो थ्रू अपने नेबर के होती है, लेकिन जो पुलिस का कहना है, उनका ये कहना है कि सिर्फ 2 आतंकवादी आए थे, हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 7 आतंकवादी, उसमें कोई अभी तक पुलिस ने माना नहीं है, सिर्फ कि 2 से 3 है जिसमें से एक को न्यूट्रलाइज किया गया है और बाकी जो हैं अगर वो 2 हैं या 1 है उसको मारने की कोशिशें अब बहुत तेजी से चल रही हैं। और सुबह से हालांकि रात को फायरिंग हुई जिसमें हमारे CRPF के जवान जख्मी हुआ, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया, सीरियस है वो, मध्य प्रदेश का है कबीर दास। लेकिन अगर हम यहाँ सर्च ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें अब फाइनल स्टेज जो ऑपरेशन है उसको एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है, जिसमें मैंने जिस तरह कहा SOG है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, आर्मी है, उनकी जॉइंट टीम्स यहाँ पे लगातार बॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही हैं, सर्च कर रही हैं, ड्रोन की मदद ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिशें यहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और जो दूसरा आपने कहा, जो हम पहले भी कह रहे थे कि एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देने की, लेकिन जाहिर तौर पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने एक कमिटमेंट ली है कि जो आतंकवाद जो कश्मीर में जिस तरह से सफाया हुआ, अगर बचे खुचे आतंकवादी यहाँ जम्मू डिवीजन में हैं, कहीं पे भी हों, चाहे पीर पंचाल एरिया में हो, कठुआ में हो, सांबा में या भद्रवाह में जो अभी इंकाउंटर चल रहा है, उनको कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। और रियासी सफाया करना है और उसी की तस्वीरें कठुआ से अभी मिल भी रही है। समीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कठुआ में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ तब का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकी हमले के वक्त चश्मदीद ने अपने रिश्तेदार को फोन करके इसकी पूरी जानकारी दी। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हेलो, हाँ जी सर,
नारायण कोई हुई गतिविधि हुई कुछ आहो पुलिस निकली पेदी उधरा पुलिस पुजने आली होनी थोड़े कोल कोई गल नहीं ठीक ना ठीक है और टेंशन नहीं लाया आहो और भाई जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमले में सेना के दो जवान जख्मी हो गए हैं। बीते 12 घंटे में दूसरा, 72 घंटे में यह तीसरा आतंकी हमला है। उधर इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह बड़ी जानकारी तो डोडा में भी इसी तरह का आतंकी हमला हुआ है और ये जो आतंकी हमला किया गया है ये भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस पर किया गया है। दो सेना के जवान इसमें जख्मी हो गए हैं और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन डोडा में भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें अभी फिलहाल जम्मू निशाने पर आतंकियों को दिखाई दे रहा है। 12 घंटे में ये दूसरा हमला है, 72 घंटे की हम बात करेंगे तीसरा आतंकी हमला है और हर जगह आतंकियों को मारा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर हम डोडा की बात करें तो यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है आतंकियों को ढूंढने की। अब ये तीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रियासी में किस तरह से श्रद्धालुओं की बस के ऊपर आतंकियों ने हमला किया था, 10 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। कठुआ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक आतंकी ढेर है और बाकी की अभी तलाश की जा रही है। समीर न्यूज 18 इंडिया के उन्होंने ये बताया, अब चंद घंटे ही बाकी बचे रह गए जब कठुआ में जो आतंकी छिपा है उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और वहीं डोडा की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सेना को निशाना बनाया गया है। तो एक तरफ आम लोगों को रियासी में निशाना बनाया गया, श्रद्धालुओं को। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जम्मू के जो रिहायशी इलाका है और वहां के जो बाशिंदे हैं उन्हें निशाना बनाया गया। तीसरी तस्वीर में सेना पर हमले की कोशिश।